जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में बात करूंगा आपका जो मानदेय आधारित जो टीचर का वैकेंसी आया है आपका, वो है आपका दुमका जिला, जो आपका स्कूल ऑफ एक्सलेंस के तहत दुमका जिला के अंतर्गत जिन विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय, जिन विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चुना गया है, और इनमें उत्कृष्ट विद्यालय एवं जो प्रखंड स्तरीय जो आदर्श विद्यालय हैं, इनमें संविदा आधारित यानी आपका मानदेय में आपका टीचर का बहाली होना है, TGT और PGT में। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आपका ये विषयवार है, यानी आपका सब्जेक्ट का लिस्ट है क्या कि TGT में किन सब्जेक्ट्स का बहाली होना है और PGT में किन सब्जेक्ट का बहाली होना है। तो प्रत्येक बिंदु पर मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा TGT के बारे में। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आपका TGT में हिंदी, आपका हिंदी में जो है टोटल आपका 6 सीट है। TGT हिंदी में टोटल 6 सीट है, जिनमें आपका 3 जनरल है और 3 ST कैटेगरी के लिए। इंग्लिश में बात करूं तो आपका इंग्लिश में टोटल 7 सीट वैकेंट है, जिनमें 4 आपका जनरल है और 3 आपका ST कैटेगरी के लिए। उर्दू में टोटल 1 सीट वैकेंट है, जो कि आपका जनरल रहेगा। फारसी सब्जेक्ट में 1 सीट टोटल वैकेंट है, जो कि ये भी आपका जनरल रहेगा। मैथ और फिजिक्स में टोटल आपका 12 सीट वैकेंट है, जो कि आपका 6 सीट जनरल रहेगा और 6 सीट आपका ST कैटेगरी के लिए रहेगा। आपका बायो एंड केमिस्ट्री में टोटल 11 सीट, 6 सीट जनरल और 5 सीट आपका ST कैटेगरी के लिए। ज्योग्राफी में टोटल 3 सीट वैकेंट, 2 सीट आपका जनरल रहेगा, 1 सीट आपका ST कैटेगरी के लिए। तो इसी तरह देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का है डिटेल्स। आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स के 6 सीट टोटल वैकेंट है, 3 सीट जनरल और 3 सीट आपका ST कैटेगरी। इकोनॉमिक्स में टोटल आपका 4 सीट है और 2 सीट देख सकते हैं आपका कि जनरल है और 2 सीट जो है आपका वो आपका ST कैटेगरी के लिए। कॉमर्स में टोटल 3 सीट है और 2 सीट जो है जनरल है, 1 सीट आपका ST कैटेगरी। फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा, इसमें टोटल 5 सीट वैकेंट है, 3 सीट जनरल है, 2 सीट आपका ST कैटेगरी के लिए। होम साइंस में आपका टोटल 2 सीट है और 1 सीट जनरल, 1 सीट आपका ST कैटेगरी। म्यूजिक में टोटल 1 सीट, 1 सीट जनरल रहेगा। क्राफ्ट में टोटल 2 सीट, 1 सीट जनरल, 1 सीट आपका ST कैटेगरी। पेंटिंग में 1 सीट टोटल वैकेंट है, 1 सीट आपका जनरल। बंगला सब्जेक्ट में टोटल 1 सीट वैकेंट है, जो आपका जनरल रहेगा। संथाली में टोटल 2 सीट वैकेंट है, 1 सीट आपका जनरल, 1 सीट आपका ST कैटेगरी। तो कुल मिलाकर बात किया जाए तो TGT सेक्शन में सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर टोटल 76 सीट्स वैकेंट है, जिनमें से 43 जनरल रहेगा और 33 आपका ST कैटेगरी के लिए। बाकी जो भी आपका BC1 BC2 कैंडिडेट है और SC कैंडिडेट है, वो आपका जनरल वाले में फाइट करेंगे। बात यह आती है कि दुमका में जो वैकेंसी आया है TGT सेक्शन में, आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया है। अगर अदर जिला के बारे में बात करूँ तो जैसे संथाली, बंगला, पेंटिंग, क्राफ्ट, म्यूजिक, होम साइंस, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ फिजिकल एजुकेशन का भी वैकेंसी नहीं है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है दुमका डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कि अदर डिस्ट्रिक्ट में इनका वैकेंसी नहीं निकाला है। दूसरा यहाँ देख सकते हैं PGT सेक्शन में, तो टोटल हिंदी में आपका 2 सीट वैकेंट है, जो कि एक आपका जनरल रहेगा, एक ST कैटेगरी के लिए। इंग्लिश में टोटल 4 सीट, संस्कृत में टोटल 2 सीट। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जनरल सेक्शन है और आपका ये ST सेक्शन। तो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उतना लेट नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर टोटल सीट वैकेंट बता रहा हूँ। बाकी आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेंगे। इनका PDF ऑलरेडी मेरे वेबसाइट में दे दिया हूँ और वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टोटल आपका हिस्ट्री में 1 सीट है, ज्योग्राफी में 3 सीट है, इकोनॉमिक्स में 2 सीट है, मैथ में 6 सीट है, फिजिक्स 6 सीट, बायोलॉजी 4 सीट, केमिस्ट्री में 5 सीट आपका। इसके अलावा आपका कॉमर्स सेक्शन में टोटल 6 सीट है, 3 सीट जनरल, 3 सीट आपका
एसटी कैटेगरी के लिए। तो कुल मिला के पीजीटी सेक्शन में अगर बात करूं तो 41 सीट आपका है, और जिनमें से 22 सीट आपका जनरल रहेगा और 19 यानी 19 सीट आपका एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए। बाकी जो एससी सेक्शन है और एसटी सेक्शन बीसी1 बीसी2 है वो वाले जनरल में फाइट करेंगे। अब बात आती है इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है। तो क्वालिफिकेशन वही जैसे दूसरे जिला में आपने देखा, पीजीटी सेक्शन में पीजीटी के लिए अगर बात करूं तो जो आपका सब्जेक्ट होगा उनमें मास्टर डिग्री में मिनिमम आपका 50% मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ जो एससी कैंडिडेट होंगे या एसटी कैंडिडेट होंगे उनके लिए मिनिमम 45% मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहिए मास्टर डिग्री। साथ ही साथ आपका बीएड होना जरूरी है। अब बात आती है टीजीटी का। तो टीजीटी के बारे में बात करूं तो टीजीटी में आपका कुछ जिला में आपका 50% मिनिमम मार्क्स रखा है, लेकिन दुमका में आपका टीजीटी में यानी आपका ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहिए जो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपका 40% मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन में, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। वहीं अगर उम्र सीमा के बारे में बात करें, एज मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए 31/12/2022 तक, और मैक्सिमम अपर एज लिमिट के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 55 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए 31/12/2022 तक। आरक्षण का जो अपना जिला का रोस्टर होगा आरक्षण का उनके पालन किया जाएगा। अगर सैलरी के बारे में बात करें तो पीजीटी के लिए 27,500 और टीजीटी टीचर यानी ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर जो आपका अंडर मैट्रिक तक बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए सैलरी आपका 26,250। पीजीटी सेक्शन वाले ये +2 के बच्चे को पढ़ाएंगे। ये कंप्लीटली आपका संविदा आधारित है यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। आपका सर्विस अगर संतोष प्राप्त पाया गया, सरकार को लगा कि एक्सटेंड करना चाहिए, तो फिर वो आपके कार्यशैली को देखते हुए एक्सटेंड किया जाएगा आपके जॉब पीरियड को। तो बात आता है यहाँ काम क्या है। तो आपको रेगुलर क्लास लेना होगा, साथ ही साथ बच्चों को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज कराना होगा, होमवर्क कराना होगा, क्लास वर्क देना होगा, साथ ही साथ निरीक्षण का कार्य भी होगा, मूल्यांकन कार्य होगा। विद्यालय में जो भी एक्टिविटीज होगा उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है, साथ ही साथ हेडमास्टर के द्वारा दिए गए सौंपे गए कार्य को भी करना है। चयन प्रक्रिया हुआ वही आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा, साक्षात्कार लिया जाएगा। आपका इनके उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में टीम चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार होगा। साथ ही साथ आपका वही बात करें कि आखिर इनको अप्लाई कैसे करना है, तो आपका इनका विज्ञापन देख सकते हैं आप, जिला का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनमें इनका फॉर्मेट भी मिल जाएगा, और उस फॉर्मेट के साथ आपका 100 100 रुपया का डीडी बनाना है ना, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो यदि एससी और एसटी कैंडिडेट है आप तो आपके लिए 50 रुपये का लगेगा, बाकी जो है बीसी1 बीसी2 या जनरल कैटेगरी है उनको 100 रुपये का डीडी बनाना होगा। आपका डीडी किन के नाम में होगा तो आपका देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी दुमका, जिला दुमका के पद नाम से पेबल एट दुमका स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपया, अगर एससी एसटी है तो आपको 50 रुपया लगेगा डीडी। और साथ ही साथ ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को भर लेना है, जैसे कि देख पा रहे हैं आपका ये फॉर्मेट है, आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी, इस सेक्शन में लिख देंगे। टीजीटी पीजीटी में आप अप्लाई किए तो किस सब्जेक्ट के लिए करना है, सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, आपका कैंडिडेट का नेम हो जाएगा, फादर्स नेम हो जाएगा, कंप्लीट इस तरह का डिटेल्स भरने के साथ इनके साथ डीडी अटैच कर देंगे। डीडी अटैच करने के बाद जो लिफाफा है लिफाफा में डाल देंगे, और लिफाफा में एक साइड आपका एड्रेस होगा और एक साइड जहां आपको भेजना है वहां का एड्रेस होगा। तो आपको जो भेजना है जो आपका आवेदन भेजेंगे आप, वो आपका लास्ट जो डेट है वो आपका 12 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए। देख सकते हैं विहित प्रपत्र यानी आपका आवेदन जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय दुमका यानी आपका फॉर्म जो आपका लिफाफा लिखेंगे फॉर्म आपका एड्रेस हो जाएगा, और 2X साइड दूसरे साइड जो 2 वाले सेक्शन है वहां पर आपको यहाँ से शुरू करना होगा, यहां से शुरू करेंगे और लास्ट आपका यहां तक लिखेंगे खूंटा बांध तक।
जहां तक पिन कोड के बारे में है, पिन कोड आप इंटरनेट से निकाल लेंगे कि दुमका जिला मुख्यालय का पिन कोड क्या है, वो आपका लास्ट में पिन कोड, क्योंकि विदाउट पिन कोड आपका कहीं भी आपका पत्राचार नहीं जाएगा, आपका जो पोस्ट करने जाएंगे तो आपका विदाउट पिन नंबर आपको पोस्ट होगा ही नहीं, है ना। तो आपको पिन कोड भी जरूरी है, तो आप वो निकाल लेंगे। लेकिन निकालने में अगर परेशानी हो रही है, किसी भी तरह से मन में सवाल है, तो जो मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर है वो आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आपका ये जो पोस्ट करेंगे, आपका वो निबंधित डाक द्वारा ही करेंगे, यानी रजिस्ट्री मेल करेंगे, रजिस्ट्री पोस्ट करेंगे, ना ही आप स्पीड पोस्ट करेंगे, ना ही आपका नॉर्मल पोस्ट करेंगे। तो आपका 12 तारीख का भी समय है आपका उस दिन, तो आप रजिस्ट्री मेल भी करेंगे तो 12 तारीख से पहले पहुंच जाएंगे। तो यदि अभी भी आप फॉर्म फिल नहीं किए और आप सोच रहे हैं, तो जरूर फॉर्म को अप्लाई करें। आपका 100 रुपया तो जाना ही है, होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू में बैठेंगे, आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, दूसरी जगह मौका मिलेगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ रहिएगा। तो ये है, इंटरव्यू देने से आपका खुद का जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत हो, किसी भी तरह के मन में सवाल हो इस विज्ञापन को लेकर, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।